सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बजट 2018-19 से रिलेटेड, जो है रियल एस्टेट में सर्कल रेट से रिलेटेड। बजट 2018-19 के अंदर प्रपोज किया गया है कि अगर आपका सर्कल रेट मार्केट रेट से खाली 5% के डिफरेंस के अंदर होगा, मतलब खाली 5% ज्यादा होगा, तो आप एक्चुअल मार्केट रेट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भर सकते हैं। अब सर्कल रेट क्या होता है, रेडी रेकनर रेट क्या होता है, जंत्री रेट क्या होता है, गाइडलाइन वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में मैंने काफी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, आप वो वाले मेरे वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। एक्चुअली जो सर्कल रेट होता है या रेडी रेकनर रेट होता है, ये सारे गवर्नमेंट के पब्लिश रेट्स होते हैं, जो मिनिमम रेट होता है जिसपे स्टैंप ड्यूटी भरी जाती है, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और वहीं पे सर्कल रेट मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख है, तो आपको सर्कल रेट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी, मार्केट रेट पे नहीं भरेंगे आपको उस केस के अंदर। उसी ओर अगर मान लीजिए सर्कल रेट 80 लाख है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ज्यादा है 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरेंगे। तो ये रफ डिफरेंस होता है सर्कल रेट और मार्केट रेट के अंदर। अगर आप डिटेल्ड कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो मेरा सर्कल रेट वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि सर्कल रेट क्या होता है, मार्केट रेट से कैसे डिफरेंट होता है, उसका कंसेप्ट एक्चुअली लाया क्यों गया था इंडिया के अंदर, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसमें वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि ये 5% के डिफरेंस का क्या मतलब है। तो मान लीजिए अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, आपने 1 करोड़ उसके लिए पे किया है, और मान लीजिए सर्कल रेट 1 करोड़ 5 लाख तक का है, 1 करोड़ 3 लाख है, 1 करोड़ 4 लाख है, या 1 करोड़ 5 लाख तक का है, तो आप एक्चुअल अपने प्रॉपर्टी रेट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरेंगे। लेकिन दूसरी ओर मान लीजिए अगर आपका सर्कल रेट 1 करोड़ 6 लाख का है, मान लीजिए 5% से ज्यादा है, अब 6% का डिफरेंस आ गया, तो आपको सर्कल रेट के ऊपर भरनी होगी स्टैंप ड्यूटी। और अगर हम इसके अंदर तीसरा केस देखें, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा है और सर्कल रेट कम है, मान लेते हैं कि आपने आपका सर्कल रेट 1 करोड़ है और प्रॉपर्टी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख है, तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू डेफिनेटली वो ज्यादा है, तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी। तो बस ये एक सिंपल सा अपडेट आया है, तो एक तरीके से ये राहत है थोड़ी सी बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए। बायर्स को थोड़ी सी कम स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी अगर उन्होंने कम प्रॉपर्टी वैल्यू भरी है तो, मार्केट रेट मान लीजिए कम है तो, और सेलर्स को कैपिटल गेन्स के अंदर फायदा हो जाएगा, वो एक्चुअल प्रॉपर्टी रेट अपना दिखा सकते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स पर्पसेस के लिए। तो उसके बारे में भी मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा कि उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने देखा कि सर्कल रेट जो 5% का डिफरेंस अनाउंस हुआ है बजट में, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कोई फीडबैक है इस चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, या आप अपना कोई विचार शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कॉमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।